हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ IVF सक्सेस के बारे में। तो एम्ब्रियो स्टिक क्यों नहीं करता, यानी कि आपकी इम्प्लांटेशन क्यों नहीं होती। तो इम्प्लांटेशन जो है उसको ही हम कहते हैं कि एम्ब्रियो स्टिक कर गया। तो अगर आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो देखिए, आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम एम्ब्रियो की जो क्वालिटी है उसको अच्छी कर सकें, जिससे कि आपकी इम्प्लांटेशन जो है वो कई गुना बढ़ जाए, उसके चांसेस कई गुना बढ़ जाएँ, या फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स इसमें क्या कर सकते हैं। और इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें एक इमोशनल फैक्टर भी है जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैंने बहुत बार बताया भी है, लेकिन आज मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊँगी सारी चीज़ें। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीरियस हैं अपने IVF ट्रीटमेंट को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फैक्टर्स की, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी एम्ब्रियो की को इम्प्लांटेशन की कराने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये मेन तीन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एम्ब्रियो फैक्टर की क्वालिटी। खुद एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सबको पता है कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड और ए ग्रेड, इस तरीके से एम्ब्रियो की क्वालिटी देखी जाती है। लेकिन एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी कैसे बनेगी, इस सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो दूसरा फैक्टर है फीमेल फैक्टर। उसमें उसके एंडोमेट्रियल थिकनेस है, वो भी सबको पता होती है। उसको अच्छी करने के तरीके भी मैं आज बताऊँगी। और फीमेल की एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता है। मैंने कई डॉक्टर्स की वीडियो भी देखी होती हैं जब मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं आता था। ये सब एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे समझ में आई हैं ये चीज़ें। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ ही सब कुछ आपसे साथ शेयर करूँगी कि इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, एम्ब्रियो की क्वालिटी जो है तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी एंड लैब कंडीशन। तो जो एग की क्वालिटी है ये बहुत मैटर करती है। इसमें दो ग्रुप बटे हुए हैं डॉक्टर्स के। सबसे पहला तो है कि भाई आपके एग जो हैं फीमेल की वो पहले ही बन चुके होते हैं सारे, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरे सेट ऑफ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि ठीक है, आपके एग्स जो हैं तो जो एग्स जो हैं वो बन चुके होते हैं, लेकिन उनकी मैच्योरेशन और हैचिंग बाद में होती है, जब हमारे पीरियड्स का जो टाइम पीरियड होता है, साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उस दौरान ही सब होता है। तो हम उसकी क्वालिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फाइनली इसमें कंक्लूजन ये निकलता है कि ठीक है, हम एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, खाना होता है, उसके लिए मैंने एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाई है। आप मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसको वीडियो को जाइए और ज़रूर देखिए। और जिसमें मैंने स्टेप्स बताए हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करेंगे तो आपकी एग की क्वालिटी आपकी ज़रूर इम्प्रूव होगी। उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आपको ही फाइनली जो है पूरी प्रेगनेंसी कैरी करनी है। अगर आप सिर्फ एग को ही देखेंगे, आप एज अ होल देखिए अपने आप को कि आपको पूरी प्रेगनेंसी कैरी करनी है। और प्रेगनेंसी के बाद भी जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको बेबी को पूरी उसकी जो है उसकी पूरी रेज करना होता है उसको। और फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में तो और भी ज़्यादा ये सब हो जाता है। तो सेकंड है स्पर्म की क्वालिटी। जो स्पर्म की क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड चीज़ है। इसमें सारे फीमेल के ऊपर ध्यान देते हैं कि भाई इसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसको खान पान ऐसा चाहिए, ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेल की कोई बात ही नहीं करता। तो मेल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपके स्पर्म की क्वालिटी तो हाथ में ही होती है आपके, कि आप अपने खान पान से, एक्सरसाइज से, बाकी बैड हैबिट्स को ख़त्म करके इसकी क्वालिटी बहुत हद तक इंप्रूव की जा सकती है, जिससे कि आपका कई फोल्ड इंक्रीज़ हो जाती है चांसेस इम्प्लांटेशन के। तो स्पर्म की क्वालिटी वो कैसे इंप्रूव करें, इसके भी मैंने उसी वीडियो में बताया है, मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताया है, एक्सरसाइजेज और खाने के बारे में बताया है। आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए और जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव की जा पाएगी। अब हम बात करते हैं थर्ड की, जो कि लैब कंडीशन की है। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले लैब को देखना होता है जब हम IVF सेंटर को चूज़ करते हैं। तो उसको किस बेसिस पे आप चूज़ करेंगे, सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट है कि आपको डॉक्टर अच्छा होना चाहिए और लैब अच्छी होनी चाहिए। लैब जो है उसमें जो उसकी आपको जाकर आपको खुद इंस्पेक्शन करनी चाहिए कि वहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर मशीन्स ठीक हैं, वहाँ का जो फ्रीज करने का तरीका है वो क्या है, और किस सब का सेपरेट होना चाहिए वो, और जो जहाँ पर आपके एग्स फ्रीज करे जाते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर फ्रोज़न एम्ब्रियो से ही जो IVF होते हैं, और इन एनी केस आपको फ्रीज तो कराने ही पड़ते हैं एम्ब्रियो।
तो जो IVF सेंटर है उसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। ये अगर आप फर्स्ट स्टेप से ही आप पूरा लेकर चलेंगे तो आपकी क्वालिटी एम्ब्रियो की जो है वो अपने आप ही अच्छी बनेगी। और वहाँ पर आपको एम्ब्रियोलॉजिस्ट के बारे में भी पता करना है, और आपको सब कुछ आपके अंडर होना चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं है और आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल की एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है उसके बारे में सबको पता है कि उसमें लाइनिंग बहुत सारी फीमेल्स की नहीं बनती है, ये तो सबको पता है। और उसमें बहुत सारी वीडियोस भी है, मैंने मेरी खुद की एक वीडियो है उसमें आप जाकर देखिए कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर खान पान से ठीक नहीं होती है, एक्सरसाइज से भी ठीक नहीं होती है, तो कुछ प्रोसीजर होते हैं, वो मैंने सारे उस अपनी वीडियो में डिस्कस करे हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देखिए। अब बात करते हैं एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी की। देखिए रिसेप्टिविटी की कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ एंडोमेट्रियल थिकनेस के लोग पीछे पड़ जाते हैं, उसको कर लिया ठीक है, लेकिन रिसेप्टिविटी उसका क्या, रिसेप्टिविटी होती क्या है लोगों को यही नहीं पता होता। तो रिसेप्टिविटी होती है कि आपको जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस तो ठीक है, लेकिन रिसेप्टिविटी का मतलब है कि उसको कितना ज़्यादा वो एम्ब्रियोज को अट्रैक्ट करती है, मीन्स कितना ज़्यादा लेने के लिए सक्षम है वो एंडोमेट्रियम। ये कैसे ऑल्टर कैसे होती है, ये देखिए ये अपने आप ऑल्टर हो जाती है जब आप टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं मेरे को तो टेंशन ही नहीं होती, तो सबकॉन्शियस टेंशन ये भी होती है, एक सबकॉन्शियस टेंशन होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें टेंशन हो रही है। तो इसमें आपकी पॉजिटिव अप्रोच बहुत मैटर करती है, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको हैप्पी रहने की ट्राई करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी रिसेप्टिविटी जो है एंडोमेट्रियम की वो अपने आप बढ़ जाएगी। आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आपको बस कुछ सोचेंगे नहीं तो अपने आप ही आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगी, और आप अपना ध्यान डाइवर्ट रखेंगे, अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे कि ठीक है अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी हम मैनेज कर लेंगे। तो इस तरीके का अगर आप जाके अप्रोच करेंगे डॉक्टर को तो ये बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आप किसी भी गॉड में फेद रखिए, कोई भी एक गॉड ले लीजिए। मैंने गणेश जी को लिए प्रार्थना करी थी, पूजा करी थी, गणेश मंत्र करे थे, गणेश मंदिर में मैं जाती थी, तो मैंने मेरे पास बहुत ज़्यादा फेथ था मुझे गणेश जी पर। तो इस तरीके से आप भी किसी एक चीज़ पर, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, गॉड हो सकता है, धर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उस पर फेथ रखिए, आप उसको बोलिए, मंत्रों को बोलिए। मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी बार मंत्र भी बताए हैं। तो ये फेथ होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है और आपको दिल से उसमें फेथ होना चाहिए। वो कोई भी धर्म हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी तरीके का धर्म आप मानते हैं, आप उसी में ही अपने गॉड को ट्रस्ट रखिए। उसके बाद आता है लेट गो एंड एक्सेप्ट थिंग्स। तो ये क्या होता है, लेट गो मीन्स आपको भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, एक्सेप्ट थिंग्स मीन्स आपको जो आपको प्रोसीजर कराना है या किसी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, उसका इलाज हो जाएगा, हर चीज़ का इलाज है, आप इस चीज़ को मानिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, AMH कम है, बहुत प्रॉब्लम होती है, एंडोमेट्रियल थिकनेस कम है, बहुत प्रॉब्लम होती है कि IVF फर्स्ट IVF फेल हो गया है, सेकेंड भी फेल हो गया है, कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट तो करिए। आपने कभी भी नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जब आपको लीस्ट एक्सपेक्टेड होती है कोई चीज़ तो ही वो हो जाती है, बहुत बार ऐसा देखा होगा। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब आप लेट गो कर देते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी तरफ ज़्यादा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ते किसी चीज़ के, कि नहीं मुझे तो यही यही चाहिए, ऐसे नहीं करते कि भाई अगर नेगेटिव होगा तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बार पॉजिटिव आप दिल से मान के तो देखिए कि ठीक है अगर नेगेटिव भी आता है तो भी मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से अप्रोच करना है, और दिल से जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको आप खुद देखेंगे कि आपको जो है एक्सपेक्टेशंस अपने आप कम हो जाती हैं, फेद जो है बढ़ जाता है, और इसी तरीके से फिर आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ती है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके हार्मोन्स जो है अच्छे वाले हार्मोन्स बॉडी से निकलते हैं जिससे कि रिसेप्टिविटी बढ़ती है, और उससे आपका जो है इम्प्लांटेशन होने के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं और फिर आपका IVF पॉजिटिव आता है। तो इस तरीके के हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न है, भगवान को मान लिया, ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई बेतुकी बात नहीं है। हर डॉक्टर आजकल ये सब कुछ नहीं बताते हैं, आप खुद कहीं भी देख लीजिए डॉक्टर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आपको ये सब कुछ बता सके। तो इस तरीके से आपको फेद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है विजुलाइजेशन, कि आपने ये सब कुछ कर लिया तो आपको जब 2 वीक्स वेट होती है उस टाइम में आपको बस विजुलाइज करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं और अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय कर रही हैं। आपको ऐसे एक्ट करना है 2 वीक्स वेट में ही कि आप प्रेग्नेंट हैं,
इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, हॉर्मोन्स उसी तरीके से प्रोड्यूस करेगी। आपके हॉर्मोन्स आप दवाइयाँ ले ही रहे होते हैं उससे आपका पूरी की पूरी बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। आप स्ट्रेस अगर लेंगे तो ये सारी साइकिल टूट जाती है। आप समझे, आप पूरी साइकिल तोड़ रहे हैं अगर आप टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, सोच रहे हैं। आप प्लीज़ 2 वीक स्टेट में कोई वीडियो भी ना देखें। मैं आप तो आपको यही सजेशन दूँगी, कोई अच्छी वीडियो देखिए, कोई एंटरटेनिंग वीडियो देखिए, कोई फ़नी वीडियो देखिए, और जो भी आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉजिटिव इंसान है आप उससे बातें करिए, उसकी वीडियो देखिए, और या कोई अपनी हॉबी ज्वाइन करिए। किसी ना किसी तरह से आपको स्ट्रेस रिलीव करना है। उसके बाद स्पिरिचुअल अप्रोच अगर आप दे देंगे, मेडिटेशन आप करेंगे, तो आपका माइंड बहुत काम होगा। माइंड काम नहीं होगा तो आपकी अगर इम्प्लांटेशन हो भी जाती है तो आगे मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको सीधा सीधा आपको जो है आपके स्ट्रेस हार्मोन होगा रिलीव होगा और फिर से बॉडी आपकी जो है सर्वाइवल की तरफ जाएगी, और उससे आपके मिसकैरेज होने के चांसेस हो जाते हैं। हालांकि मिसकैरेज जो होता है वो एम्ब्रियो की एबनॉर्मेलिटी के कारण होता है, लेकिन ये चीज़ आपको कोई बताएगा ही नहीं कि आपको स्ट्रेस के कारण भी आपको ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को अगर मैनेज कर लेंगी तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। आपको उसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने, बस आपको किसी तरीके से अपनी जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेनी है। तो आगे ही मैं आपको और भी ऐसे तरीके बताऊंगी। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझे कमेंट में बता